हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना ओवेन बिना ईस्ट के गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी, आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप खट्टा दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुनगुना गर्म पानी डालते हुए हमें इसे इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है, नरम आटा गूंथ के तैयार करना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालें। ये देखिए, हमने नरम आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। इस आटा को गूंथने में मुझे 2 बड़े चम्मच पानी लगा है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम मसल मसल कर गूंथेंगे। एकदम चिकना हमें इसे बनाना है, 5 से 6 मिनट गूंथना है जिससे ये चिकना हो जाए। आप देख सकते हैं ये एकदम चिकना हो गया है डो। ये देखिए, हाथों में थोड़ा सा फिर से ऑयल लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए गोल बना लेंगे और इसे एक इस तरह से डब्बे में रख लें या बर्तन में। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऐसे तेल लगा देते हैं और इसे कवर करके 1 घंटा के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, अब हम डो को देख लेते हैं। ये देखिए, डो थोड़ा फूल भी गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा गूंथ लेते हैं 30 सेकंड के लिए। थोड़ा सा और यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से हाथों से कर लें या फिर थोड़ा बेलन से इस तरह से हम इसे फैला देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से बेल लिया है। थोड़ा मोटा ही रखना है, आप देख सकते हैं इतना मोटा। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बटर ली हूँ। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर में हम 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब डाल रहे हैं, आप चाहे तो ऑरिगेनो या इटालियन सीजनिंग कुछ भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच गार्लिक, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह फैला देंगे अच्छे से बटर को पूरे में। अब इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा टमाटर के टुकड़े बारीक कटे हुए, इससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आएगा। आप यहाँ अपने पसंद का उबले हुए मकई, ऑलिव्स आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा चीज़ डाल देते हैं, आपके पास जो चीज़ है आप वो डाल सकते हैं। अच्छे से डाल दें, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब भी डाल देते हैं। इस तरह इसके किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे, किनारों को इस तरह से बंद कर दें, सील कर दें दबा के। इस तरह से सील कर दें। उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। हमें इसे पूरा नीचे तक नहीं काटना है, बस एक इस तरह से कट का निशान बनाना है। इसके ऊपर भी बटर वाले पेस्ट को अच्छे से लगा दें पूरे में। मैं यहाँ इस तरह का एक केक टिन ली हूँ, आप चाहे तो घर का कोई भी थाली ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा बटर से इस तरह से ब्रश कर देते हैं चारों तरफ अच्छा से। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ एक कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए, इसमें इस तरह का एक वायर स्टैंड डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। हमें इसे
लो टू मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं कढ़ाई को। कढ़ाई प्रीहीट हो गया है, अब इसमें हम ब्रेड मोल्ड को डाल देते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, कलर आना शुरू हो गया है। इसमें हम एक बार और बटर लगा देते हैं। 25 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ। मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए कितना फ्लफी है, देख सकते हैं पूरा चीज़ मेल्ट हो चुका है अंदर से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।